हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गैस पाइप के बारे में बताने वाला हूँ कि गैस पाइप कब और कैसे लगाएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं गैस पाइप क्यों चेंज कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो गैस पाइप है वह 5/1/2016 का बना हुआ है, जिसे चेंज जनवरी 2021 में करना है, जो कि एक्सपायर हो चुका है। हर एक पाइप में उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायर लिखा हुआ होता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पाइप है वह फटने लगा है, इसीलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। अब मैं जो वायर पाइप लगाने वाला हूँ उसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा वायर पाइप यूज करता हूँ। यह हमारा वायर पाइप है, जो कि सभी पाइप में सबसे अच्छा होता है। इस पाइप को ना तो चूहा काट सकता है और ना ही यह पाइप आग से ख़राब हो सकता है, और यह 5 साल तक यह आराम से चलता है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है 2021 का है, और इसे चेंज अप्रैल 2026 में करना है, जो कि 5 साल का समय है। 5 साल के बाद आप इसे चेंज कर दें। यह पाइप सुरक्षा कंपनी का है और इसे बनाने वाला आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी इंडस्ट्रीज है, जिसे आप भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अब आपको कुछ पाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कौन सा पाइप यूज करें और कौन सा नहीं। हमारे पास अभी एक प्लास्टिक पाइप है, इस पाइप का यूज़ कभी ना करें, क्योंकि यह पाइप बिल्कुल सेफ नहीं होता है। अगर इस पाइप में गर्म चीज़ सट जाने से या चूल्हे में लीक होने से इसमें आग लगने की संभावना रहती है, इसलिए इस पाइप का उपयोग कभी ना करें। और हार्ड होने पर या ग्रिप नहीं पकड़ता है, इसलिए इस पाइप का यूज ना करें। अब मैं आपको कुछ रबर पाइप के बारे में बताता हूँ कि कौन सा रबर पाइप का यूज आप करें और कौन सा नहीं। हमारे पास यह एक रबर पाइप है, आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही हार्ड है, जो कि दब नहीं रहा है। तो ऐसे आप रबर पाइप का यूज़ कभी ना करें, जो कि आपका 4 से 5 महीने के अंदर ये फट जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरे रबर पाइप के बारे में बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये रबर पाइप है बिल्कुल सॉफ्ट है, जो हमारा बहुत दिन चलेगा। अगर आप रबर पाइप यूज करते हैं तो रबर पाइप हार्ड यूज मत किया करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप चूल्हे से वायर पाइप को कैसे निकालें, वो भी बिना गर्म किए हुए, सिर्फ पेचकस की सहायता से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गैस चूल्हे से इस वायर पाइप को आप कैसे निकालेंगे, वो भी बिल्कुल आसानी से, बिना पाइप को गर्म किए हुए। तो हमारे पास यह पेचकस है, तो सबसे पहले हम इस क्लैंप को खोलेंगे। जैसे जैसे हम क्लैंप खोलेंगे वह ढीला हो जाएगा, और इस क्लैंप को हम नीचे कर देते हैं। अब हम पेचकस की सहायता से पाइप को चारों तरफ से धीरे धीरे उठाएंगे, तो हमारा पाइप ये ढीला हो जाएगा। अब हम इस पाइप को टानेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा पाइप बहुत आसानी से बाहर निकल गया। अब इसी तरह हम रेगुलेटर के पाइप को भी निकालेंगे। तो इस क्लैंप को हम सबसे पहले खोलते हैं, क्लैंप खोलने के बाद अब पेचकस की सहायता से
उसी तरह हम पाइप को चारों तरफ से उठाएंगे कि हमारा पाइप का मुंह थोड़ा बड़ा हो जाए और ये आसानी से बाहर निकल जाए। आप पाइप जब भी निकालें सीधा निकालें, नहीं तो रेगुलेटर का मुंह आगे से टूट सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पाइप हमारा बहुत आसानी से रेगुलेटर से निकल गया। अब हम इस पाइप से क्लैंप को निकाल लेते हैं, दोनों क्लैंप को निकाल लेते हैं। अब हम नए पाइप को लगाते हैं। पाइप आप जब भी लगाएं पाइप को घुमाते हुए लगाएं, जिससे कि हमारा पाइप आसानी से चूल्हे में लग जाए। पाइप सीधा लगाने से पाइप आसानी से लगेगा नहीं। यह क्लैंप है जो कि वायर पाइप में लगाना ज़रूरी होता है, नहीं लगाने से यह पाइप के मुंह से फटना शुरू हो जाता है, इसलिए इस पाइप में आप क्लैंप ज़रूर लगाएं और आप दोनों साइड लगाएं, क्योंकि इस पाइप में पाइप फटना मुंह से ही शुरू होता है। इसे लगाने से यह पाइप के मुंह को दबाए रखता है। और आप रेगुलेटर जब भी लगाएं तो रेगुलेटर को घुमाते हुए लगाएं, जिससे कि हमारा रेगुलेटर आसानी से पाइप में लग जाए। और इसके बाद हम इस क्लैंप को सबसे ऊपर मुंह के पास में लगाएंगे, सबसे ऊपर। क्लैंप हमें पीछे की ओर नहीं लगाना है, और नहीं तो पीछे की ओर लगाने से हमारा पाइप फटने लगता है। इसीलिए क्लैंप जब भी लगाएं ऊपर करके लगाएं। और बिना क्लैंप के इस पाइप को ना लगाएं, जिससे कि हमारा ये पाइप बिल्कुल सेफ हो जाता है। अब मैं चूल्हे तरफ के क्लैंप को भी टाइट कर देता हूँ। आप इस तरह से दोनों तरफ पाइप लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।